फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है नागपंचमी और मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये व्लॉग तो वैसे भी लेट पहुँचेगा, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा में बहुत छोटी सी सिंपल सी पूजा होती है नागपंचमी की, कुछ खास नहीं करना होता है। सिर्फ वो धान का लावा होता है उसकी उससे पूजा करते हैं, लेकिन वो तो नहीं मिला। मैंने मखाने को दूध में डाल करके और फिर उसको थोड़ा सा छींटते हैं घर में कोनों में और ले जाके वहीं पे डालते हैं, और दरवाज़ों पे गेट पे उसकी फ़ोटो लगा करके और पूजा की जाती है। तो ऐसे तो कुछ अवेलेबल नहीं हो पाया, तो सिंपल से मुझसे जो भी हो सका, मुझे जैसे आता था मैंने वैसे पूजा कर ली। और पूजा करने के बाद अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले ये कॉफ़ी बन रही है आज, क्योंकि अश्विन के पापा को कॉफ़ी पीने का मूड था। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ सैंडविच की शेयर कर रही हूँ। मेरे पास मोज़रेला चीज़ रखा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले घी लगा लिया। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर इस तरीके से चीज़ को स्प्रेड कर दीजिए। उसके ऊपर नमक, सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, जो कुछ भी आपको डालना हो वो सब कुछ डाल करके, और फिर इसको या तो सैंडविच मेकर में डाल करके ग्रिल कर लीजिए, और या तो फिर तावे पे आराम से ग्रिल कर लीजिए। और ये देखिए इस तरीके से, ये एक तो ये बनता बिल्कुल 5 मिनट में है और टेस्ट इतना यम होता है। बस इसको गर्म खाइएगा, अदरवाइज़ ये चुई हो जाता है। इसमें मोज़रेला चीज़ है ना, तो जैसे ही ठंडा होगा वो तुरंत चुई हो जाएगा। और इसके साथ में ये सॉस हो गई और ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। ये है कमरे की हालत, मतलब अभी मैं सारी क्लीनिंग व्लीनिंग करके अभी हटे यहाँ से, और उसके बाद श्रेणिका का देखिए इस तरीके से पूरा सामान फैलाई हुई है। वो चादर वो ओढ़ करके सोई थी और ये हल्की बारिश आ गई थी, तो फटाफट से कपड़े हटा लिए मैंने, क्योंकि कल रात को मैंने मशीन लगाई थी और सारे कपड़े धुले थे। तो कितना भी क्लीनिंग कर लो, लेकिन तुरंत वो गंदा कर देती है सारा सामान इधर उधर करके। हैप्पी नागपंचमी सभी को। वैसे तो नागपंचमी कोई स्पेशल पूजा नहीं होती है, बहुत छोटी सी होती है। हम लोग यहाँ पे तो बनारस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पोस्टर मिलता है वहाँ पे, और उसी को चिपका चिपका के फिर पूजा करते हैं। बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हर जगह का अलग अलग होता है। बहुमुंडा में थे तो वहाँ भी नहीं मिलता था, तो इसी तरीके से या तो आप पेपर पे काट के चिपका करके और फिर उसकी पूजा कर लीजिए, या तो फिर मैंने तो ऐसे ही स्वास्तिक बना करके पूजा कर ली। अभी भी ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, और बस मैं ऐसे ही कमेंट रीड कर रही थी, अपने लिटरली फ़ोन चला रही थी, तभी मुझे एक मतलब एक वीडियो मिला। वो वीडियो जब से मैंने देखा ना, मतलब मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है कि ऐसा होता है। और आज के ज़माने में भी आपको मैं यहाँ लगा दे रही हूँ, आप भी देखिएगा वो वीडियो। सो गाइज़, ये है वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली ये मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मिला था, और इसमें देखा आपने पहले वो पानी ले रहे हैं और फिर देखिए किस तरीके से, मतलब अगर बच्चा घर के अंदर भी खड़ा है उसको भी वो ज़बरदस्ती ले करके जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल हॉरिबल कंडीशन है। और इसके बाद भी उनके अंदर कोई डर नहीं है कि वो दौड़ करके भाग रहे हैं या इस तरीके से, मतलब बिल्कुल नॉर्मल चल के। अदरवाइज़ क्या होता, पतली गली है ना, वो पकड़े बहुत आसानी से जाते अगर वो दौड़ कर भागते तो। लेकिन वो इसीलिए आसानी से जा रहे थे ताकि किसी को पता ना चले। मतलब किस तरीके से, एक होता है ना कि बच्चा चोर होते थे पहले, अभी कुछ दिन पहले भी ये चीज़ आ रही थी कि बच्चे चोर होते हैं, लेकिन अब लिटरली ये वीडियो देख करके तो मुझको लग रहा है हे भगवान, ये तो मतलब चाइल्ड स्नेचिंग है। जैसे पहले चेन स्नेचिंग होती थी, अब चाइल्ड स्नेचिंग हो रही है। लोग कहते हैं ना कि लोग पानी तक नहीं पिलाना पसंद करते हैं, कैसे कोई पानी पिलाएगा अगर ये कंडीशन है लोगों की? क्या सोच करके ये लोग काम ये करते हैं? मतलब जब से मैंने सोचा कि आपके भी घर में एक छोटा बच्चा है, आप भी इमेजिन करो कि अगर कभी कल को कुछ हो जाए, मतलब आप इमेजिन करो एक बार कि अगर कल को कुछ हो जाए, मतलब क्या कर सकते हो आप? क्या बाहर जाना बंद कर दोगे बच्चों को लेकर के? बाहर निकलना बंद कर दोगे? घर के गेट पे कोई आएगा तो आप दरवाज़ा खोलना बंद कर दोगे? कितना कोई करेगा? फिर अभी तो बच्चा छोटा है, कल को बड़ा होगा वो खुद बाहर जाएगा, कितना आगे पीछे आदमी घूमेगा? आजकल तो वैसे भगवान, मतलब जब से मैंने ये वीडियो देखा मेरा तो एकदम दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, मैं इतना ज़्यादा परेशान थी। और ज़रा इमेजिन करो कि उसके बाद बच्चों का क्या होता होगा। मतलब आपके बच्चे आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, इतनी मतलब इतनी आपसे ज़िद कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और जो बच्चे चले जाते हैं उनके बारे में ज़रा, मतलब मैं तो इस बारे में सोच कर मुझे बिल्कुल रूप फॉर्म आ रहे हैं, बिल्कुल रोए खड़े हो जाते हैं इसके बारे में सोच करके भी। ऐसा कैसे कर सकता है कोई? करने के बाद उन बच्चों का क्या होता होगा लिटरली? मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं बच्चों का रखें, क्योंकि इस टाइम का माहौल तो वैसे ही इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है। 2020 जाने और क्या क्या दिखाने को रह गया इसको,
इसने इतनी बड़ी पेंडेमिक की सिचुएशन दिखाई, फ्लड आ रहा है इतनी जगह, अर्थक्वेक बार बार आ रहा है। अब उसके बाद जो रही सही कसर थी वो ह्यूमेंस ने करनी शुरू कर दी कि चाइल्ड स्नेचिंग। जस्ट इमेजिन चाइल्ड स्नेचिंग, वो भी घर से आपसे कोई पानी मांगता है, आप उसको पानी देते हो वो दो घूट, और उसके बाद वो इस तरीके की हरकत करता है। मतलब ऐसा कोई इमेजिन, ऐसा कोई सोच भी सकता है? कल को अगर कोई कहे कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, पानी नहीं देते, खाना नहीं देते, कैसे कोई देगा? कैसे, मतलब भरोसा कहाँ रह गया किसी के बीच में कि कोई एक दूसरे पे? अभी कुछ दिन पहले हमारे घर के सामने, खैर हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन कहीं पे भी हो सकती है ना ये सारी चीज़ें, तो सामने ही मेरे जो फ्रेंड, बिल्कुल सामने वाला जो घर है वहाँ पे क्लीनिंग हो रही थी, वाइट वॉशिंग करवा रहे थे वो, तो एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने दो घर नॉक किया, किसी ने खोला नहीं, फिर उन्होंने मेरा दरवाज़ा नॉक किया, मैंने खोला, वो भी मुझसे पानी मांग रहे थे। जब मैं ये वीडियो देख रही थी मुझे वही दिन याद आ रहा था कि कैसे दो दरवाजे नहीं खुले थे, और फिर वो बुज़ुर्ग थे, 50 के तो प्लस ही रहे होंगे वो, तो 50 प्लस थे, और दो दरवाज़ा खोला तो उन, अब जिस भी रीज़न से नहीं खोला होगा उन लोगों ने, लेकिन अब ये वीडियो देख करके तो मुझे लग रहा है कि शायद उन दोनों लोगों ने सही किया था। उस दिन मैंने खोल करके उनको पानी दे करके शायद गलती कर दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक मदर घर पे अकेले होती है तो हम जब भी निकलते हैं तो हमारे साथ में बच्चा निकलता ही निकलता है, आप कब तक उसको रोकोगे? और इस तरह की हरकत हुई है। खैर उस लेडी ने तो बहुत हिम्मत दिखाई, मतलब रियली कि उसने बचा लिया अपने बच्चे को, अदरवाइज अगर वो नहीं होता तो सोचो कि क्या होता। खैर अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। सो गाइस प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और इन सारी चीज़ों से बचकर रहिए। मतलब थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, चीज़ों को अच्छे से देखिए और नोटिस करते रहिए। सो आज के लंच में मैं बना रही हूँ कढ़ी, और आज मैं आप लोग को अपने मसाला कढ़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ। एक तो सिंपल कढ़ी होती है, आज मैं मसालेदार कढ़ी बना रही हूँ, तो आइए देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले मेरे पास दही थी, मट्ठा नहीं था, तो मैंने उसको उसमें पानी डाल करके उसको बाहर निकाल के मैंने रख दिया था काफ़ी देर से, और उसमें नमक डाल दिया था तो वो खट्टी हो गई थी, और अब उसमें मैंने पानी डालकर उसको मट्ठा बना दिया, और उसमें इस तरीके से बेसन को डाल करके एक अच्छा सा बैटर ऐड कर लूँगी, ताकि जिसकी मुझे कढ़ी बनानी है एग्जैक्टली। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्सिंग कर ली मैंने, जितनी मुझे कंसिस्टेंसी बनानी है। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा ऐड करेंगे बेसन, उतनी ज़्यादा गाढ़ी या पतली होगी कढ़ी, और प्लस जितना टाइम आप उसको बॉयल करने को देंगे। इसके बाद अब ये मैं लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाऊँगी, और इसको सबसे पहले तड़के में डालूँगी, और उसके बाद नेक्स्ट आगे की प्रोसेस को फॉलो करूँगी। तो ये मेरा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। सबसे पहले मैंने तेल ले लिया, तेल में मैंने ऐसे जीरा डाल दिया तड़के के लिए, और जीरा डालने के बाद अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक मिर्चा का, वो डाल दिया। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इसको रनी कंसिस्टेंसी की थी, क्योंकि इसी में मैं हल्दी को डाल करके पका दूँगी। सूखा रहता है तो तुरंत ही पकड़ने लगता है, और हल्दी कच्ची कच्ची रह जाती है, तो इसीलिए मैंने इसको पतला किया ताकि अच्छे से हल्दी पक जाए। और इसके बाद फिर मैंने इस तरीके से उसमें हल्दी डाल दी, और ये देखिए बिल्कुल पक गया मसाला। जब पक गया तो उसके अंदर जो मैंने वो बैटर तैयार किया था मट्ठे का और बेसन का, उसको मैं डाल करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैं इस तरीके से इसको मिक्स करने के लिए यूज़ करती हूँ, जो केक कप के बैटर को बनाने के लिए होता है, ताकि कोई लम्स ना रहें, और इससे डेफ़िनेटली कोई लम्स नहीं रहते हैं। प्लस इसको इस तरीके से डाल करके छोड़ने से गिरती भी नहीं है कढ़ी, और उसका जितना भी पानी चाहिए उतना पानी डाल करके मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली। अब वो बॉयल होगा, और ये मैं प्याज काट रही हूँ पकौड़ों को बनाने के लिए। एक्चुअली मैं आज मसाले कढ़ी बना रही हूँ, तो इसलिए उसके जो पकौड़े होते हैं वो सादे नहीं होते, उसमें मैं प्याज डालकर ही उनको पकाती हूँ। तो बस इस तरीके से डालिए। अब पकौड़े में थोड़े से मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैंने नमक डाल लिया, नमक के बाद में हल्दी थोड़ी सी, उसके बाद में धनिया पाउडर डालूंगी मैं, धनिया पाउडर के बाद थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला या फिर गरम मसाला, जो भी आपको पसंद है, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब चूँकि आप प्रॉब्लम ये होगी कि ये कढ़ी में जाकर टाइट ना रह जाए पकौड़ी, तो उससे बचने के लिए मैंने ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लिया है। बेकिंग पाउडर से अब ये एक तो सॉफ्ट बहुत बनेगी, और जो एक प्रॉब्लम होती है ना कि बहुत ज़्यादा फेटना होता है, वो नहीं करना पड़ेगा। प्लस जब वो कढ़ी के में जाएगी तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब अंदर जो हार्डनेस रहती है वो नहीं रहेगी। और ये बस मेरी पकौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। मतलब जब मैंने ये देखा तो इतना सुंदर लग रही थी ये पकौड़ियाँ कि मैं क्या बताऊँ। तो बस ये रेडी हो गई है। अब मेरी कढ़ी भी बॉयल होकर के तैयार हो गई है। अब मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़के में मैंने राई ले लिया है। राई डालने के बाद में मैं हींग डालूंगी उसमें, क्योंकि मैंने तड़के में मतलब बनाते टाइम पे हींग नहीं डाला था इसलिए। और फिर ये कढ़ी पत्ता जो भी थोड़ा बहुत मेरे यहाँ अवेलेबल है, और इसको अब इसमें डाल करके और इसको ढक दूंगी। तो इस तरीके से मेरी कढ़ी बन करके तैयार हो जाएगी। अब नेक्स्ट मुझे इसके साथ में चावल बनाना है,
और बस ये देखिए इस तरीके से इतनी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है, इतना मैंने बॉईल कर लिया। सो गाइस लंच हो गया, कढ़ी चावल बहुत ही अच्छी बनी थी, मतलब जल्दी जल्दी में बनाई मैंने, मूड भी इतना ठीक नहीं था लेकिन फिर भी अच्छी बन गई थी। और हो गया लंच, अब जा रही हूँ मैं, ये जो इन्होंने अंबार फैला रखा है इस अंबार को समेटूंगी और इनको सुलाऊंगी ताकि मैं अपना थोड़ा कुछ काम कर सकूँ। ये क्या लेके घूम रही हो? तो बर्थडे वाले क्या आप तुम आज लेके क्यों घूम रही हो? हाँ बताइए, इतने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अब इनके साथ कुछ ऐसा हो जाए फिर तो जान ही निकल जाएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, जो मैं सोच रही हूँ आप उससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो क्या करना है बाबू बताओ? लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तो करना ही पड़ेगा सबको लाइक और सब्सक्राइब, है ना? कह तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे बाय तो कर लो पहले, फिर पहनाते तुमको, बाय कर लो। तुम लिपस्टिक लगा के घूम रही हो? ओहो ओहो गंदी बात। चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। कैसे पहनते हैं बेटा? ओ वाह, ये क्या है? बड़ी बड़ी कैप।